this chart, it looks like we're about 25 miles from Interlaken. Shouldn't be long now. So, hello दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? Welcome back to another episode of Microsoft Flight Simulator 10. So, आज हम लोग ये सिस्ना 172 को फ्लाई करने वाले हैं, मतलब फ्लाई कर रहे हैं. तो ये एक मिशन है इस गेम का. सो हमारा एयरपोर्ट है सामने, 27.5 माइल्स दूर है हमारे हमसे. तो अभी देखते हैं क्या होता है. ये मिशन है, कुछ तो होगा ज़रूर. वेदर एकदम ठीक है, आसमान भी साफ है. Oops, ये क्या हुआ? Did you do that? Okay. What happened to the engine? Engine has stopped. Great. So now we're a glider. I assume because you practice for this fuel sort of khatam. Thing. Right? तो अभी हमारे पास कोई पावर नहीं है. I think we हम लोग अभी ग्लाइड कर सकते हैं अभी. Yes, it's right here on the chart. Sonnen. Okay, पीछे है एक एयरपोर्ट. और एक एयरपोर्ट है हमारा जो राइट साइड में जो पहाड़ी है उसके दूसरी तरफ एक एयरपोर्ट है. सो हम लोग पीछे नहीं मुड़ेंगे, वो जो पहाड़ी की दूसरी तरफ जो एयरपोर्ट है वहाँ पर ही लैंड करने की कोशिश करते हैं. देखते हैं, वो भी पास ही है. If I remember correctly, the best glide speed in a 172 is about 65 knots. So 65 knots हमें Don't bother looking at your attitude indicator or directional gyro. 65 knots है सिस्ना 172 का बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड. और इंजन बंद होने के वजह से वैक्यूम खत्म हो गया है, तो डायरेक्शनल जायरो और एल्टीट्यूड इंडिकेटर भी बंद हो गया है. सो हम लोग पूरी तरह से VFR में है, यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स में अभी है. और हमारे पास अभी सिर्फ जो स्पीड है वो इंडिकेटर और जो अल्टीट्यूड इंडिकेटर है वो कम कर रहा है. स्टैंड बाय अल्टीट्यूड इंडिकेटर जो है वो कम कर रहा है. डायरेक्शनल जायरो भी बंद हो गया है. ये फ्लैप्स को मैंने ओपन कर लिया है वन नॉच तक, इससे थोड़ा सा लिफ्ट मिलेगा. और स्पीड भी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है तो स्पीड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा. अब हम लोग एक राइट टर्न लेंगे तो एयरपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा एकदम. सो हम लोग पूरी तरह से ग्लाइड कर रहे हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है. एवियोनिक्स वगैरह काम कर रहा है बैटरी के पावर से, इंजन तो बंद हो गया है. सो ये रहा एयरपोर्ट, लेकिन हम लोग थोड़ा ऊंचाई में है तो एल्टीट्यूड को घटाना पड़ेगा अभी. सो ये जगह थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा एल्टीट्यूड कम हो गया तो हम लोग लैंड नहीं कर पाएंगे. सो एकदम ठीक ठाक रखना पड़ेगा. ओके, फ्लैप्स ओपन, हमने और थोड़ा सा फ्लैप्स को ओपन कर लिया है. स्पीड अब भी थोड़ा सा ज़्यादा, ओके लगभग 65 नॉट्स ही है. तो ये हम लोग अभी जो अल्टीट्यूड है उसको घटाएंगे. सो बेसिकली हमें उस रनवे पे लैंड करना होगा. हमारे पास कोई पावर नहीं है तो पूरी तरह से हम लोग एकदम ये ग्लाइडिंग के भरोसे में ही है. तो अगर ज़्यादा अल्टीट्यूड कम हो जाएगा तो लैंड नहीं कर पाएंगे. सो पूरी तरह से फ्लैप्स ओपन हो गया है हमारा. चलो देखते कर पाते कि नहीं. ओके, ऑल्टीट्यूड अब भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है. चलो कोई बात नहीं है. It looks like we're gonna make it. Good job. So, हम लोग कर लेंगे शायद. I think I can breathe again. एकदम अलाइंड है हम लोग रनवे से. सो देखते कितना बढ़िया होता है लैंडिंग. ओके, पहुंच गए हैं लगभग. फ्लेयर
एंड टच डाउन। ओके गाइस, सक्सेसफुली लैंडिंग हो गया है सो फाइनली। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना, और एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। I can't believe you made it to the runway. I didn't even think you'd make it to the airport.